शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से मैं तो कुछ भी कहूँ, बहुत वक्त के बाद घर का इतना अच्छा खाना खाने को मिला है, बिल्कुल श्रद्धा के हाथ के स्वाद जैसा। मम्मी, अब से आप यहीं से खाना मंगवा के सिया को खिला दिया करनी। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। घर की तरफ दोबारा लौट के भी मत देखना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। मेरी सिर्फ एक बच्ची है, सिया। मुझे मेरी सिया से मिलवाने के लिए आपने फोन करके मुझे यहाँ बुलाया और इतना बड़ा जोखिम उठाया, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ? काश तुम ये घर छोड़कर ना जाती श्रद्धा, और ना आज हमें ये जोखिम उठाने की नौबत आती, और ना सिया बीमार होती। ये सब छोड़ो, तुम जल्दी से चलो हमारे साथ, सिया से मिल लो इससे पहले कि घर से बाहर जो सब गए वो आ जाए। पर उसका कमरा कहाँ है? वो सो रही है अभी। थैंक यू बुआ जी, जाओ मिलो उससे। इतने देर हमें घर से बाहर नहीं रहना चाहिए था, बस हमारी सिया जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। Thank you.
कब फोन किया, कोई मिस कॉल तो है ही नहीं। लो बताओ अब आपको क्या लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? खैर छोड़िए भाभी, वो ना हम सिया की एक जरूरी दवाई लाना भूल गए। अब वो दवाई इतनी जरूरी है कि अगर हम नहीं लाएं तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो आप जाके ले आइए ना। अरे ऐसे कैसे हम अकेले जाएं? अगर गलत दवाई ले आए तो आप ना हमारे साथ चली। अरे पर हम दोनों काहे जाएं रे, तू आप जाके ले आइए। अरे सिया अकेली है ना घर में। भाभी सिया तो सो रही है ना, जब तक सिया उठेगी हम फटाफट उसकी दवाई लेकर आ जाएंगे। आप ज्यादा ना बहस मत, चलिए 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 चलिए। दीदू आप यहाँ क्यों आई? आपको पता है ना यहाँ ना आपके लिए कितना बड़ा खतरा है। मैं बस अपनी बेटी को एक बार देखना चाहती हूँ। वही तो, क्यों? आप क्यों? आप क्यों का क्या मतलब है? मुझे अपनी बेटी से मिलने के लिए कोई वक्त देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपकी ममता जाग गई सिया के लिए तो ऐसे चोरी छुपे यहाँ क्यों आई है? आप खुद जब छोड़ कर गई तो एक बार भी पलट कर नहीं देखा कि अभय अपनी बच्ची को कैसे संभाल रहा है, चाची जी अपने घर को कैसे बचा रही, और हम सब मिलकर सिया को माँ का प्यार दे रहे। पर अब क्यों आई है अपनी बेटी पे हक जताने के लिए? 6 साल पुराना घाव अब जब भरने लगा तो उसे खुरेड़ने क्यों आ गई आप क्या चाहती कि अभय आपके कारण फिर से टूट जाए? बोलिए दीदू, चुप क्यों है? कीर्ति, तू जानती है इस बात को कि मैं खुद अभय और सिया को ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। तो वापस आके क्या साबित करना चाहती है? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस अपनी बीमार बेटी को एक बार देखना चाहती हूँ। अच्छा, और अगर सिया ने आपको देख लिया तो उसे क्या बोलेंगे कि आप कौन है? कैसी बातें कर रही है तू, माँ हूँ मैं उसकी, ये बोलेंगे आप उसे? और कैसे समझाएंगी कि अपनी दूसरी बेटी के लिए आपने इस बेटी की कुर्बानी दे दी? कीर्ति, कम से कम तू तो जानती है ना कि इस बात की पूरी सच्चाई क्या है। 6 साल की बच्ची अगर ये सह नहीं पाई दीदू तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। आपके एक उठाए कदम के कारण सिया को हम सब ने उसकी माँ के बिना संभाला। अब वापस आके अपनी बच्ची का दर्द मत बढ़ाइए। हाँ, शायद तू सही कह रही है, मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। पर कीर्ति, मेरी बच्ची कैसी है, उसकी तबीयत ठीक है या नहीं, इस बात की खबर तो मुझे देते रहना। मेरी बच्ची का ध्यान रखना कीर्ति, प्लीज। की खुशी मनाई जा रही है? मेरी बेस्ट मम्मा। वो तो मुझे पता है, पर श्रद्धा तुम्हें पता है कि हमारे कस्टमर को तुम्हारा खाना इतना पसंद आया कि उसने हमें पूरे पूरे मंथ का ऑर्डर दिया है, वो भी 3 टाइम के खाने का। आई मीन एक छोटी सी बच्ची है, उसके लिए खाना बनाना है और शायद उसकी ना तबीयत कुछ खराब चल रही है। खाना एकदम सेहत वाला ही होगा, पर छोटी बच्ची है तो हमें स्वाद का भी ख्याल रखना होगा। मामा, अपना वाला हेल्दी पिज़्ज़ा बनाओ ना, मैं भी खाऊंगी।
सिया। अरे क्यारा भी यहाँ पर है। ये देखो हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, आपका मनपसंद पिज्जा, वो भी हेल्दी वाला। आ जाओ जल्दी से खा लो। बुआ आप यहीं पे रख के चले जाओ, हम लोग बाद में खा लेंगे। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? तुम दोनों के बीच कोई खुसुर खुसुर का खेल तो नहीं चल रहा है? नहीं ऐसे ही खेल रहे हैं। वो एक्चुअली सिया की तबीयत खराब थी ना, तो अपने कमरे में बोर हो गई थी। सिया 15 मिनट के बाद हम वापस आएंगे। अगर तुमने ये पिज्जा खत्म नहीं किया तो हम तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पापा से कर देंगे। हाँ ठीक है ठीक है, आप दादी बुआ आप चले जाओ, हम लोग खा लेंगे। हाँ बेटा खा ले, और तुम भी हम आते। हाँ चलो यम। क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों? अच्छा चलो तुम बैठो, हम बैठकर बात करते हैं। कैसे समझाएंगी कि अपनी दूसरी बेटी के लिए आपने इस बेटे की कुर्बानी दे दी? मम्मी सिया शायद ठीक नहीं है, मुझे पता नहीं उसको लेके बहुत डर सा लग रहा है। तुम ऐसे परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा आज आपको स्कूल में सियादी मिली थी? नहीं मम्मा, वो सियादी की तबीयत खराब है ना, इसलिए मैम ने बोला कि आज उन्होंने छुट्टी ली है। मम्मा हम उनके घर जा सकते हैं उनसे मिलने? और अगर सिया ने आपको देख लिया तो उसे क्या बोलेंगे? मम्मा चलिए ना प्लीज। बेटा सिया की तबीयत बहुत खराब है ना, तो वो रेस्ट कर रही होंगी, हम फिर कभी जाके उनसे मिल लेंगे। और वैसे भी आज तो हमें मोहित अंकल के ऑर्डर के लिए कितना सारा खाना बनाना है ना? आप एक काम करो, आप फ्रेश हो जाओ और फिर खाना खा लो। ओके मामा। मम्मी मैंने आपसे कहा था ना सिया ठीक नहीं है, पता नहीं मेरी बच्ची कितने दर्द में होगी। दादी आ, आ, सिया बेटा दादी, अरे दादी, सिया बेटा क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? दादी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, अरे अभी अभी तो इसकी दवाई शुरू हुई थी, 48 घंटे भी नहीं हुए और फिर से उल्टियां शुरू हो गई। बस हो गया। क्या हुआ बुआ जी, क्यारा ने बताया कि सिया की तबीयत फिर से खराब हो गई। वही तो समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक थी अब कह रही है पेट दर्द हो रहा है, अब तो उल्टी भी आ रही है इसे। आ जाओ बेटा, कैसा लग रहा है बेटा, बहुत दुख रहा है क्या? चाचू मुझे लगता है हमें फौरन सिया को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। नहीं हम अभी अभय को फोन करते हैं, वो आ जाएगा। कैसी बातें कर रही है भाभी, जब तक अभय यहाँ आएगा वरुण उसे अस्पताल पहुँचा देगा। तनु जी
इस वक्त सिर्फ हमें सिया के बारे में सोचना है, पुरानी बातों को भूल जाए। जा बेटा तू गाड़ी निकाल, इसे हॉस्पिटल ले जा। मैं तब तक अभय को फोन करता हूँ। जी चाचू। जा चाचू। अभय बेटा सिया की एकदम तबीयत खराब हो गई बेटा, हम उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तू वहीं पहुंच। हाँ सिया, डॉक्टर सिया ठीक तो है ना? ये अचानक से पेट में वापस दर्द कैसे होने लग गया? सुबह तक तो ठीक थी। शायद इसने बाहर से कुछ खाया था, जैसे बर्गर पिज्जा जैसी चीजें, तभी इसकी तबीयत बिगड़ी है। नहीं डॉक्टर साहिबा, हमने इसे बाहर का कुछ नहीं खिलाया, बल्कि हमने तो इसे घर का ताजा खाना खिलाया। फिर भी पता नहीं क्यों इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत उल्टियां हो रही थी। खाने में कुछ तो गड़बड़ी थी, क्योंकि बच्ची को फूड पॉइजनिंग हुआ है। क्या बुआ जी, खाने में क्या दिया था सिया को? क्लाउड किचन से जो खाना आया था वही खिलाया था, आज मूंग दाल का पिज्जा आया था। क्या रे बेटा, सच सच बताओ आप दोनों ने क्या खाया था, बताओ। सिया की हालत देखकर कियारा पहले से ही डरी हुई, ऐसे सवाल करके ना उन्हें और मत डराई। पर ताई जी, बच्ची है, प्यार से। हम अपने बच्चे से पूछते हैं, वो हमसे नहीं छुपाएगी। कियारा सच सच बताओ तुम दोनों ने क्या खाया था? हमने पिज़्ज़ा खाया था। आगे के इलाज के लिए बच्ची को यहाँ भर्ती करना पड़ेगा, ताकि ये हमारी निगरानी में रह सके। मम्मी आप सिया के साथ यहीं रुकिए। कुछ नहीं हुआ है, सिया ठीक हो जाएगी। इतना गंदा और घटिया खाना खिलाया मेरी बच्ची को, बच के जाने नहीं दूंगा, जेल में चक्की पिसवाऊंगा इनसे। हेलो इंस्पेक्टर साहब। मम्मी ये बुआ जी फोन क्यों नहीं उठा रही है? बेटा तुम परेशान मत हो, हम एक काम करते हैं ना, हम खुद जाकर देखते हैं कि सिया की तबीयत कैसी है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम जाते हैं। हे माता रानी, मेरी सिया की रक्षा कीजिएगा। हाँ मोहित। श्रद्धा जल्दी से मेरे किचन आ जाओ, गड़बड़ हो गई है यहाँ पे यार। तुझे तो मैं कोर्ट लेकर जाऊंगा, तेरी इस घटिया किचन में बीमारी फैलाने की फैक्ट्री लगा रखी है ना तूने, इसे तो मैं बंद करा कर रहूंगा। सर आप ये क्या कह रहे हैं सर, हमारे यहाँ पे एक एक चीज एकदम साफ सुथरे तरीके से बनती है सर। देखिए सर, अच्छा तेल, अच्छा घी सर, ताजी सब्जियाँ सर, एक एक चीज एकदम क्वालिटी की है, I assure you। तुम्हारे इसी किचन में बने खाने से मेरी बच्ची आज हॉस्पिटल पहुंच गई है। अब ये मीठी मीठी बातें करने से तुम हमें ठग नहीं सकते हो। और तुम्हारी वो बावर्ची कहाँ है? उसे तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। सर जो यहाँ पर खाना बनाती है वो ऐसी गलती कभी कर ही नहीं सकती है सर, उनके काम में कभी गलती आपको मिलेगी ही नहीं, ट्रस्ट मी। वो तो हम अपनी तहकीकात करके पता कर लेंगे कि गलती किसकी है। आप उन्हें बुलाइए यहाँ जल्दी। सर लो वो आ गई। यार इनके हिसाब से हमारे खाने की वजह से इनकी बेटी बीमार पड़ गई है। प्लीज इन्हें समझाइए कि ऐसा 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 हो ही नहीं सकता है।
हमारे पास जैसे ही ऑर्डर आता है हम तब के तभी खाना बनाकर भेजते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा खाना बासी हो। किस्मत की लकीरों से, 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 किस्मत की लकीरों से। किस्मत की लकीरों से, 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 किस्मत की लकीरों से। तीदू ने खाना बनाया है इसीलिए तुम इन लोग को छोड़ रहे हो। तीदू को देखकर भूल गए कि कैसे कैसे सिया इतने दर्द में चिल्ला रही है वो अस्पताल में। मेरी सिया, मेरी बच्ची, वो मुझसे इतनी नफरत करती है कि वो मेरा चेहरा देखना भी बर्दाश्त नहीं करती। मैं अपनी बच्ची को छू नहीं सकती, उसे गले भी नहीं लगा सकती। एक माँ होकर भी मेरी बेटी को दर्द में देखकर मैं कुछ नहीं कर पाई मम्मी। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।